हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सप्लीमेंट बच्चे को देना, तो उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बारे में लाइक बहुत ही सारे सवाल रहता है न्यू मदर्स के लिए, या न्यू पेरेंट्स जो बने जा रहे हैं या न्यू मॉम्स बने हैं उनको ये वीडियो बहुत हेल्प कर देगा। तो ज़रूर ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये सप्लीमेंट जो है आपके बच्चे को देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को फटाफट से शुरू कर देते हैं। देखिए, अभी आप न्यू मॉम्स है तो बहुत सारे सवाल रहेंगे आपके दिमाग में, लाइक ये विटामिन D3 क्या होता है, विटामिन D3 सप्लीमेंट देना ज़रूरी है या विटामिन मतलब उसका इम्पोर्टेंस ही मालूम नहीं रहता है। खासकर हम न्यू पेरेंट्स के लिए तो ये इसके बारे में पता ही नहीं रहता है। तो मैं चाहती थी कि ये एक अवेयरनेस के थ्रू मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपका बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होना चाहिए या रहना चाहिए, या उसका माइलस्टोन्स जो होता है वो अच्छे से अचीव कर लेना है, या आपके बच्चा जल्दी से चलना है या उठना है बैठना है, उसका टीथिंग जो प्रोसेस है आराम से चलना है मतलब जल्दी से स्टार्ट होना है, उन सभी के पीछे यही एक रीज़न होता है, बच्चा मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है अंदर से। तो उसका जो एक इंग्रेडिएंट जो बच्चे को मदद करता है वो है ये विटामिन D3 सप्लीमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे को ये रोज़ पिलाना। अब नेक्स्ट सवाल आता है, ये कब से शुरू करना है। देखिए, ये जो मेडिसिन है वो जब बेबी बॉर्न होता है उसी दिन से लेके 1 ईयर तक ये दवाई को पिलाया जाता है, पिलाना भी चाहिए। अगर आप भूल गए हैं नेक्स्ट डे बिना भूले रोज़ उसे पिलाना ही चाहिए। आफ्टर लंच जो भी आप खाना वाना खिलाते हैं उसके बाद आप पिला दीजिएगा ये दवाई। और अब नेक्स्ट सवाल आता है, ये कितने मेजरमेंट में देना चाहिए। देखिए, अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, इसके बारे में नहीं बताया है, तो ज़रूर जाके पूछ लीजिएगा, पूछताछ ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ये दवाई आपके बच्चे को देना शुरू कर दीजिएगा। इसे आप 1 ml तक देना ही चाहिए बच्चे को रोज़ 1 ईयर तक। तो ये बिना भूले आप बच्चे को पिलाते ही रहिएगा। और नेक्स्ट सवाल आता है बच्चे के लिए, तो देखिए, अगर विटामिन D3 अगर आप मानते हैं कि बच्चे को यू नो लाइट सनरेज के नीचे लेटाना चाहिए, इससे बच्चे का स्किन से लेके बोन्स तक बहुत मजबूत होगा या मजबूत मिलेगा, बच्चे को अच्छा है स्किन के लिए, तो वैसे ही ये विटामिन D3 भी उतना ही काम करता है। लेकिन अगर आप और एक सवाल भी कर सकते हैं, अभी मॉम्स है, न्यू मदर्स है, तो उनके दूध से ऑब्वियसली ये विटामिन D3 कॉम्पोनेंट जाएगा ही। हाँ, माना कि जाएगा, लेकिन देखिए आज के इस जनरेशन में हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स ले वो कमी ही रहेगा। और वैसे में अगर अब ये विटामिन D3 नहीं देंगे और सोचेंगे कि माँ का दूध ही काफ़ी है बच्चे को, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम भी यही मानते हैं, लेकिन जितना बच्चे को वो विटामिन D3 का कंटेंट मिलना चाहिए उतना वो ब्रेस्ट मिल्क पूरा नहीं कर पाएगा, यही रिसर्च में भी बताया गया है। तो इसलिए आप जितना इम्पोर्टेंट वो सनलाइट सनरेज में के नीचे लेटाते हैं बच्चे को, उतना ही इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये सप्लीमेंट को आपके बच्चे को पिलाना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप ये विटामिन D3 सप्लीमेंट आपके बच्चे को नहीं देंगे, बच्चे का जो अंदर का बोन्स है वो मजबूत नहीं रहेंगे, बहुत लूज रहेंगे, बहुत यू नो वीक हो जाएंगे बोन्स। और अगर बच्चा उस टाइम में यू नो खड़े होने को ट्राई करेगा, जो उसका पूरा बॉडी का प्रेशर है वो सीधा जाके पैर का जॉइंट्स पे पड़ेगा और नीचे पैर पे पड़ेगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, बच्चे का पैर का शेप जो है वो ऐसा हो जाएगा। आप जाते जाते कुछ बच्चों में आप देख सकते हैं, जब बच्चे खड़े होते हैं उनका
पैर का शेप बिल्कुल ऐसा हुआ रहेगा। तो ये एक डिजीज माना जाता है विटामिन D3 सप्लीमेंट ना देंगे तो एक डिजीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों होशियार रहिए, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, आपके बच्चे को ज़रूर पिला दीजिएगा। देखिए इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लाइक आपके बच्चे अच्छे से राइट एज में राइट टाइम में उसका माइलस्टोन्स अचीव कर लेगा, जल्दी से खड़ा होना उसको मदद करेगा या उठने में बैठने में मदद करेगा, उसका हड्डियाँ जो है अंदर से मजबूत बनेगा और उसके दांत का प्रोसेस भी जल्दी से शुरू होगा या शुरू होने के बाद वो अच्छे से प्रोसेस होगा। तो इन सभी के सभी प्रोसेस अच्छे से चलना है तो आपको ये विटामिन D3 आपके बच्चे को पिलाना ही चाहिए। ये कुछ लोग बहुत लाइट ले लेते हैं, अरे फर्स्ट 6 मंथ्स तक तो माँ का दूध ही देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पिलाना है, ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए दोस्तों वो पिछले ज़माने का जो भी मिथ थे उससे भी ज़रा से बाहर आइए, जो नए ट्रेंड्स है, नए जो नए लाइफस्टाइल के साथ आप जी रहे हैं तो नए लाइफस्टाइल का कुछ आचार विचार भी फॉलो करना ही पड़ेगा मेडिसिंस के हिसाब से भी। तो जो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको ये मेडिसिन पिलाना चाहिए, प्लीज़ पिलाइएगा, क्योंकि ये मैंने मेरे फ्रेंड से सुना था कि नहीं नहीं मेरी माँ ने बोला है पहले 6 मंथ्स तक तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, ना यू नो विटामिन्स, ना वो विटामिन 3 सप्लीमेंट्स, कुछ भी नहीं, खाली माँ का दूध, इसमें ही बच्चे को पूरा ताकत मिल जाएगा। तो मैं सोच रही थी हाँ, तो इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना ही चाहिए लोगों तक, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने मिथ्स को ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपके अगर आप नए मॉम्स हैं या ऑलरेडी आप नए मॉम बन चुके हैं तो विटामिन D3 सप्लीमेंट आप बिना भूले बच्चे को रोज़ पिलाया करिएगा, बहुत मदद करता है उसके माइलस्टोन्स को अचीव करने के साथ साथ उसका डेवलपमेंट या एज डेवलपमेंट बहुत कुछ काम करता है विटामिन D3। तो इसलिए बिना भूले रोज़ पिलाते रहिए आपके बच्चे को। तो आज के लिए बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल भी हुआ होगा। अगर यूज़फुल हुआ है तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, कि जितना हो सके उतना आपके नए मॉम्स पेरेंट्स रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक अवेयरनेस के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि बहुत कुछ लोगों को विटामिन D3 सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही, मैं ख़त्म कर देती हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।